हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैसेज स्टाइल। फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में हम बनाने जा रहे हैं गंवार फली या क्लस्टर बीन की सब्ज़ी। देखिए फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी जो है बहुत औषधीय गुणों से भरपूर होती है। फ्रेंड्स, इसमें फॉलिक एसिड बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण इसके सेवन से एनीमिया नहीं होती। खास करके प्रेग्नेंट लेडी को इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। इसमें पाया जाने वाला ग्लाइकोन्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है फ्रेंड, जिसकी वजह से हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और इसमें फाइबर जो बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कि हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करके रखता है। ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है फ्रेंड्स। और इसमें कैल्शियम फास्फोरस होता है जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। ये देखिए, कुकर में मैंने सिर्फ 2 चम्मच तेल लिया है। इसमें कसूरी मेथी का बघार दे रही हूँ फ्रेंड। इसमें अब हरी मिर्च और थोड़ा सा प्याज डाल के, ये मीडियम साइज का एक प्याज ली हूँ, प्याज डाल के इसे अच्छे से भून लेंगे। इसके प्याज के कलर को चेंज होने तक से इसे भूनेंगे। इसके बाद इसमें थोड़े से आधा चम्मच मैंने हल्दी डाला है फ्रेंड्स। देखिए, इसे हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसके बाद में हम इसमें अपनी जो मैंने पहले से वॉश करके गंवार फली रखा हुआ था उसे हम इसमें मिक्स कर देंगे फ्रेंड्स। और लगभग 2 से 3 मिनट के लिए इसे तेज फ्लेम में हम इसे अच्छे से भुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है हमारे हेल्थ के लिए, औषधीय गुणों से भरपूर है। और मैं इसका आपको बहुत ही इजी और झटपट बनने वाली रेसिपी बता रही हूँ कि बिना किसी झंझट के इतने जल्दी बन के तैयार होती है। और हमें इसमें कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, मैं इसे प्रेशर कुकर में ही बना के दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। इसे घंटों पकाने की भी ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए, देखिए इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लीजिए। इसमें मैंने फ्रेंड 4 बड़े टमाटर जो हैं वो बारीक चॉप करके डाले हैं फ्रेंड्स। इसमें टमाटर बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ज़्यादा डालती हूँ। अगर आप कम टमाटर खाते हैं तो आप कम टमाटर डाल सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। इसे फ्रेंड्स अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम इसमें सीटी लगा देंगे फ्रेंड्स। हम एक सीटी जो है वो तेज आँच में आने देंगे, उसके बाद में धीमे धीमे में हम इसे 3 सीटी और आने देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी लगभग 4 सीटी हो चुका है और इसके गैस भी रिलीज़ हो चुकी है। अभी हम इसे खोल के देखेंगे। ये देखिए, मैंने इसे पानी बिल्कुल नहीं डाला था फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा जो बहुत ताज़ी सब्ज़ी थी ये, इसलिए इसका पानी ऑलरेडी इसमें था। अगर आप बासी यूज़ कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। ये देखिए, मैंने इसमें धनिया की पत्ती डाली है और इसे एक बार और इसे हाई फ्लेम में 1-2 मिनट के लिए हम भुनेंगे। और देखिए इसका फाइनल रिजल्ट फ्रेंड, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।